आज मैं आपके लिए पंजाबी फिश करी लेकर आई हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनी है ये। और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। पंजाबी फिश करी के लिए सबसे पहले हमने ये लिए 1 किलो फिश ली है और उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 नींबू। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाना है कि सारी फिश पे हमारे मसाले अच्छे से लिपट जाएं। मसाले अच्छे से लिपट चुके हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे 1/2 घंटा भी रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। और अब चलिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई रखिए, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। तेल गर्म हो चुका है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 प्याज। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर। टमाटर के गलने तक हम कुक करेंगे और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज ना जले। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ पैन रखते हैं और उसमें करीब 1/2 चम्मच तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम उसमें एक एक करके फिश के पीसों को शैलो फ्राई कर लेंगे। सभी पीसों को आप पलट लीजिए। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से हो गई है। गैस की फ्लेम को लो करके सभी पीसों को निकाल लेंगे। सभी पीस हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। जब आप इस तरह से फिश बनाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कितनी टेस्टी फिश बनी है। और पंजाबी लोग तो वैसे भी खाने के बहुत शौकीन होते हैं तो वो हर डिश को एक नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनकी डिश बहुत ही टेस्टी बने। अब इस जार में डाल के हम ये सारा मसाला बिल्कुल बारीक पीसेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला पीस के रेडी है। अब हम कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। टोटल हमारा 3 सवा 3 चम्मच तेल हो गया है। मेथी दाना डालेंगे सबसे पहले हम, और जो हमने मिक्स पीसा था लहसुन अदरक प्याज टमाटर का वो डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च,
एक टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, देखिए कितनी अच्छी रंगत आई है और कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिश। बहुत ध्यान से करिएगा, फिश बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत जल्दी कुक होती है, तो इसके पीसेस टूटे ना, इसीलिए आप बहुत सावधानी से फिश के पीसों को डालिए। अब हम ऐड करेंगे आधा गिलास पानी। पानी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप ज़्यादा ग्रेवी वाली फ़िश पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालिए, और अगर कम ग्रेवी वाली फ़िश पसंद करते हैं तो कम डालिए। हमारे यहाँ कम ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आधा ही गिलास पानी डाला है और बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि फ़िश पूरी गल चुकी है और इसको बस पानी में हमें उबाल आने तक ही पकाना है, तो 2 या 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर लीजिए, 2 मिनट। 2 मिनट हो चुके हैं और ये लीजिए फिश हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये लीजिए पंजाबी फिश हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।